अदरक लहसुन भी काफी अच्छा है बस पनीर वाले वेज के बाद ये सब जो है ये सब एकदम डेट एक डेट चम्मच के करीब डालते हैं तो बस अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से इसको कलर चेंज करने तक थोड़ा सा पानी में देखो किस थोड़ा सा तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी लगा के छोड़ देंगे गलने के लिए रख देंगे अब मिट्टी एक कप करिए पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी और फिर हम इसको थोड़ी देर बाद हम फिर हम इसको चेक करेंगे पानी थोड़ा सा अच्छा हो तो पानी अच्छे से निकाल देना चाहिए निकाल दूँगी पानी की जरूरत नहीं है टमाटर डाल सकते हैं टमाटर डालें पकानी करती हूँ काफ़ी होगा इसको पकाते हैं मिट्टी इसके अंदर मैंने काली मिर्च है नमक और कढ़ाई जो है वो बनती ही होने पर तेज आते हैं तो उसको हलाते हैं अच्छे से पका लेंगे और इसके अंदर हम जैसे अपनी मर्जी से मसाले ऐड कर लेंगे लेकिन जो कुछ मसाले खाने होंगे आते हैं तो इसके ऊपर कड़ाई मसाले खाने के लिए इसके उसके अंदर फिर आई चिली नमक डाले भी हम खाने कर सकते हैं टमाटर कुछ अच्छे साथ ही काली मिर्ची रेड चिली और कुटा हुआ बुना हुआ जीरा और धनिया ये भी शामिल कर सकते हैं इसके मसाले मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए थे काली मिर्च भी और जो मसाले हैं मिर्ची वगैरह और अब मैंने एक चम्मच इसके अंदर दही शामिल किया और एक चम्मच इसके अंदर क्रीम डाली वैसे भी मसाले जितने कम रखे हैं इसके अंदर वो उसका अपना टेस्ट होता है तो बस अब इसके साथ हम इसको पका लेंगे हल्के हाथ से बिल्कुल इसको पकाएंगे ताकि ये जैसे हमारा टूटे ना देखेंगे हल्के हाथ से हल्की आँच रखी है जिसके इसके आँच जो है ना वो हम तेज़ नहीं करेंगे हल्की आँच पे इसको थोड़ा सा पका लेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और उसके अंदर अच्छे से टेस्ट इसका आ नहीं जाता ये बहुत अच्छी सी कढ़ाई हमारी गई है अब हम कुछ तैयार होने के करीब है ये आखिर में हम लोग दही और क्रीम शामिल करेंगे दोनों चीज़ें मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे बहुत अच्छा टेस्ट अच्छे से आ गई ये बड़ी हमारी मटन हांडी जो है ना वो तैयार हो चुकी है
ready to eat. I hope you like it. आपको हमारे इस वीडियो को बताइएगा।